अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। टुडे द टॉपिक ऑफ लेक्चर इज एवेपोरेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवेपोरेशन क्या है और इस टॉपिक से रेलिवेंट कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट इज एवेपोरेशन? द स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड सर्फेस इन टू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। पहली चीज़, एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद ब खुद हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप हीट देंगे, आप टेम्परेचर देंगे तो ही एवेपोरेशन होगी। नहीं, एवेपोरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, खुद ब खुद क्या होता है? किसी भी लिक्विड के अंदर से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस कहते हैं एवेपोरेशन। देखें, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट है क्योंकि लिक्विड में आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस कम होती हैं, लेकिन वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन है लिक्विड की वेपर्स में। अब एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है और एक एमसीक्यू बनता होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। तो उसमें से एक जो मेजर फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब सरफेस फिनोमेना से मुराद क्या है? पहले तो सरफेस एरिया क्यों अफेक्ट करता है एवेपोरेशन को? भाई, सरफेस एरिया वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन एवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? एक्चुअली एवेपोरेशन क्या है कि लिक्विड में से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि वाटर के वेपर्स का बनना। अब अगर आपके पास ये एक लिक्विड है, बल्कि ये है लिक्विड, कंडीशन नहीं है, ये लिक्विड है। इस लिक्विड के ये मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर में लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा उसमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल लिक्विड का सरफेस पे होगा उस पर लेफ्ट, राइट और बॉटम से तो फोर्स लग रही होगी, लेकिन टॉप से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। अब ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, ये साइड वाले मॉलिक्यूल्स की भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके, कैसे ब्रेक करके? क्योंकि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इस सरफेस को लीव कर जाता है। तो ये सरफेस फिनोमेना है। अब यहाँ से सवाल बनता होता है कि कैसे सरफेस एरिया एवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि आपको अगर चाय ठंडी करनी है तो आप कप की बजाय उसे पिर्च में क्यों डालते हैं, इसमें कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है? तो आप कहते हैं क्योंकि कप में सरफेस एरिया कम होता है चाय के लिए, जो अवेलेबल सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कप में कम होता है। लेकिन जब आप चाय पिर्च में डाल देते हैं तो वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जल्दी सिस्टम को लीव कर जाते हैं। जैसे ही वो जल्दी सिस्टम को लीव करेंगे तो चाय आपके पास जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अगला सवाल है, अगला हमारी हेडिंग है हमारे पास, एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवेपोरेशन जब भी होती है तो कूलिंग क्रिएट होती है। कैसे कूलिंग होती है एवेपोरेशन के नतीजे में? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं। अब वो अब्जॉर्ब कहाँ से करेंगे? इसी लिक्विड से करेंगे ना। तो इस लिक्विड में से जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर होता क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब इस लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर कहलाती है। जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तो पीछे वाले सिस्टम का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। जैसे ही पिछले वाले सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो आपके पास ये लिक्विड जो है ना, यहाँ पे कूलिंग लिक्विड जो है वो भी ठंडा होगा, और दूसरा ये कि सिस्टम से जो हीट है वो भी फिर इधर आना शुरू हो जाएगी, वो एक अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो। अब कूलिंग इफेक्ट की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कि कैसे आप ये कॉमन लाइफ में कैसे तजर्बा करके एक छोटे बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा एवेपोरेशन हो रही है तो कूलिंग हो रही है? आप क्या करें, उसके हाथ पे थोड़ा सा एसीटोन डालें या ईथर डालें, ठीक? तो एसीटोन आपके पास कॉमनली अवेलेबल होता है, ये जो आपके पास होता है नेल पेंट रिमूवर होता है घर में, कहीं पर और भी जगहों पर यूज़ होता होगा ऑब्वियसली। एसीटोन जो है उसे अगर बच्चे के हाथ पे डालें तो
थोड़ी देर में वो वेपोरेट करिएगा, और जैसे वो वेपोरेट हो जाएगा तो पीछे अच्छा खासा मतलब बच्चे को हाथ जो है ना उस पर ठंडक फील होगी, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं आपकी बॉडी से, आपके हाथ से, आपके हाथ से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टूटती हैं, वो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं, और इस तरह से पिछले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है और आपके पास जो है ना वो आपको ठंडक फील होती है। स्वेटिंग, स्वेटिंग क्या पसीना आता है, कूलिंग इफेक्ट वेपोरेशन का क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव कर जाते हैं और लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और आपके पास कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। अब एक और एग्जांपल है वेपोरेशन की, कि वेपोरेशन आपकी कॉमन लाइफ में कहाँ पे कूलिंग क्रिएट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम ना मई जून में क्या करते हैं कि गर्मी की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम घर के अंदर या घर की फ्लोर पे या घर के छत पे पानी गिरा देते हैं। हम जब पानी गिराते हैं ना तो थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पर ठंडक का एहसास होता है। पानी बेशक एक दफ़ा डाल के आप वाइप ऑफ भी कर देते हैं, वहाँ पे वाइपर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ठंडा आपको अपना घर, अपना सेन, अपना छत जो है ना वहाँ पर ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपने पानी गिराया होता है वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एवेपोरेट होते हैं। अब उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो लिक्विड में है, उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट होना है। वेपर्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है लिक्विड से, तो वेपर्स एनर्जी कहाँ से लेंगे? उसी फर्श से लेंगे, जहाँ पे उस छत से लेंगे जहाँ पे आपने पानी गिराया है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर खुद एस्केप कर जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे और आपके पास पीछे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। वो कहते हैं कि कूलिंग इफेक्ट एवेपोरेशन है, एयर कूलर जब आप चलाते हैं तो बेटा एवेपोरेशन का ताल्लुक जो है ना वो कूलिंग, जैसे जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन होती है उतनी ज़्यादा कूलिंग होती है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, हवा में नमी ज़्यादा हो जाए, वो कहते हैं कि यही एयर कूलर होता है कि मई जून में तो ठंड कर रहा होता है लेकिन एयर कूलर में पीछे आप वाटर भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगस्त और सितंबर में सफोकेशन हो जाती है रूम में एयर कूलर की वजह से, क्योंकि अगस्त और सितंबर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, नमी हवा में बढ़ जाती है, जैसे नमी बढ़ती है तो वेपोरेशन कम हो जाती है। अगली चीज़, आप जनाब ये जो कॉटन फैब्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? कॉटन फैब्रिक्स एब्जॉर्ब करते हैं आपके स्वेट को, पसीने को, वेपोरेट कर जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे और आपके पास कूलिंग और कंफर्ट इफेक्ट होगा। अच्छा जी, एक और सवाल आता होता है, अर्थन वेयर वेसल्स कीप वाटर कूल, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें पानी ठंडा रहता है, तो वहाँ पर भी ये रीज़न होती है कि मिट्टी के बर्तनों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन स्मॉल पोर्स में से हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सिस्टम को लीव करते जाते हैं और पीछे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और सिस्टम का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, ठंडक हो जाती है। अब अगली हेडिंग है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख के आपको एक तो लिखा हुआ है टेम्परेचर का एवेपोरेशन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक है, ये डायग्राम बता रही है। दूसरा, ये कपड़े फैलाए हुए हैं, ये जो हमने ना कपड़े हैंग किए हुए ना, इन्हें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में रखा हुआ है, अनएक्सपेंडेड नहीं है कि हमने इन्हें फोल्ड किया हो। अब जो सबसे पहला और मेजर फैक्टर है जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना कम होगा। जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसे आप एक कमरे में रख देते हैं तो अगले दिन भी आप देखते हैं कि आजकल तो वैसे ही ठंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ग्लास में पानी ख़त्म नहीं हो जाता, ग्लास का पानी जो है ना वो वहीं पर मौजूद होता है, उसमें से वेपोरेट ज़रूर हुआ होता है कुछ ना कुछ, लेकिन क्योंकि वेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ग्लास में डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ पानी भी वेपोरेट होता है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कम हो गए होंगे, लेकिन वाटर का रेट ऑफ वेपोरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप वाटर की बजाय उतना ही पेट्रोल एक बर्तन में डाल के वहाँ पे रख दें तो पेट्रोल आप देखें, हो सकता है कि अगर वो 10-20 ml थोड़ा सा पेट्रोल था तो अगले दिन पेट्रोल वहाँ पे होगा ही नहीं, पेट्रोल वेपोरेट हो चुका होगा, क्योंकि पेट्रोल है आपके पास गैसोलीन जिसका मेजर पोर्शन है ऑक्टेन, और आपके पास ऑक्टेन क्या है, अल्केन है, और अल्केन में कौन सी फोर्सेज होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था, अल्केन्स जितने भी हैं ना
अल्केन ए एन ई नाम के एंड पे आ रहा है, उन सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। आप लेन से याद रख लें, जब भी आप लेन की बात करेंगे तो आपको याद रखें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज किस में होती है, एन्स में, अल्केन्स में। अल्केन्स पूरी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो अगर आप पेट्रोल रखेंगे तो पेट्रोल एवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज़्यादा है। यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है आपको, वहाँ पे ईथर लिखा हुआ है, तो ईथर का भी ऑब्वियसली वाटर के मुकाबले में ईथर में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये एक मेजर फैक्टर था जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है एवेपोरेशन को। दूसरा है टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये देखें इस पिक्चर में टेम्परेचर बढ़ाने को शो किया हुआ है, जो एरो ऊपर की तरफ है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा। यहाँ पे देखें ज़्यादा एवेपोरेट हुए हुए मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो एवेपोरेटेड हैं उनकी तादाद कम है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन कम होगी। तो बेटा आई थिंक ये पिक्चर जो है वो काफ़ी है टेम्परेचर इफेक्ट को समझाने के लिए, अगर आप जस्ट इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लें। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, अगर एवेपोरेशन पे ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एवेपोरेशन एंड डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स, तो आपको ये डायग्राम्स बनानी चाहिए। तो यहाँ पे भी सारा वही फिनोमेना होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस से लीव करते हैं और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है तो लीव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। अगला है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में मैंने दो चीज़ें दिखाई हैं आपको। यहाँ आपको ये फर्श के ऊपर गिरा हुआ पानी नज़र आ रहा है, मैंने एक ग्लास में पानी लिया और एक पानी उतनी ही मिकदार में जो पानी था उससे फर्श पे फेंक दिया। तो क्या होगा, ग्लास वाला पानी जो है वो इतनी जल्दी वैपोरेट नहीं होगा, लेकिन फर्श पे गिरा हुआ पानी जल्दी वैपोरेट हो जाएगा, क्योंकि फर्श पे गिरे हुए पानी को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है एवेपोरेशन के लिए। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन ग्लास के अंदर क्योंकि सरफेस एरिया कम है इस वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन है तो दोनों पानी और बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है, ये भी पानी है ये भी पानी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो असरअंदाज होता है। और जहाँ पे सरफेस एरिया कम है वहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन कम, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा वहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स आई विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।